कि आपकी चौखट पर हम जो सत्या मांडे वो आप सबसे पहले स्वीकारा। हमारे सारे भाव हम इस सत्य में अर्पण कर कर डाली आपको चढ़ाने जा रहे हैं। हम कलयुगी प्राणी और क्या चढ़ा सकते दादी, हमारे पास जो कुछ है सब आप ही का तो दिया है, भाव भी आप ही के दिए हुए हैं। तेरा तुझको अर्पण क्या लागत है, क्या लागत है। तो दादी आपसे यही प्रार्थना है कि माँ आपकी चौक चौक आपको देनी को सजाने जा रहा है। इतनी सुंदर सजे माँ, इतनी सुंदर सजे कि आपकी नजर सीधे उस पर जाए और आपकी कृपा का दादी। जरूरी नहीं कि हर बार हम आपके चौखट पर बैठे और बोले दादी ये काम करा दीजिए, ये कॉन्ट्रैक्ट पास करा दीजिए। नहीं, कभी कभार दादी सिर्फ आपकी कृपा लेने आते हैं, सिर्फ कृपा। रुपया पैसा गाड़ी भाड़ा तो हर बार मांगते हैं दादी, आज आज कृपा मांगने आए हैं, सिर्फ कृपा। और आशा है कि दादी हम आपको यूं रिझा सके कि आपकी कृपा का हाथ हम पर सदैव बना रहे, सदैव बना रहे। आइए आइए दिशा जिद जिद मारो ली डोलो मेरा मन।
हंसी में भी आनंद आएगा और आपके संग गाने में भी आनंद आएगा। हालांकि बहुत प्रेमी ऐसे हैं जिन्होंने भजन सुना हुआ है और कुछ ऐसे हैं जो मैं गाऊंगी, मुझे सुनकर गाएंगे और साथ में अगर तालियों का साथ मिल जाए तब तो वाह वाह क्या बात है। जब दादी की डेली पर बैठते हैं सजाने के लिए, देखिएगा कभी भी दादी की चौखट खाली नहीं मिलेगी, डेली सुनी नहीं मिलेगी, वहां पे पहले से ही कोई सत्या ऑलरेडी मंडा होगा। और हम बैठते हैं, हमारी बारी आती है, तब तब प्रेम से भाव से डेली को पानी से साफ करते हैं, धोते हैं। उसके भाव क्या है? दादी के चरणों को पखारे, जो दादी के चरणों को पखारे। कभी देखा है डेली को यूं साफ करते ना? दादी के शरणों को जो पखारते हैं वैसे we
यानी कि चावल चढ़ाकर दादी के भोग लगाएंगे और पूरा चिपकी चढ़ाकर दादी के भोग लगाएंगे। आइए मिलिए पहली बार सुन के अच्छा लगा। नहीं, ताली